नमस्कार, आज का सवाल अब आया है हमारे दर्शक जो सब्सक्राइबर हमारी है रुचि गुप्ता। ये लिखती है कि सर, अगर रुद्राक्ष खो जाए तो क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। हो सकता है कि दर्शक वृंद आप जो देख रहे हैं आप में से ऐसा कोई सवाल हो। एक सवाल वो भी आता है कि रुद्राक्ष टूट जाए तो क्या होता है। चलिए ये दोनों के बारे में बताते हैं। इसमें रुद्राक्ष खो जाए तो क्या होता है, ये सवाल रुचि ने इसलिए पूछा है कि कुछ लोग कहते हैं कि नीलम स्टोन यदि आप पहने हुए हैं और खो जाए तो अच्छा होता है। कहते हैं कि सोना खो जाए तो भी बुरा, मिल जाए तब भी बुरा, ऐसे कुछ धारणाएं हमारे समाज में हैं। तो रुद्राक्ष यदि खो जाता है तो शुभ होता है अशुभ होता है? ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। मैं तो ये कहूंगा आपसे, खो गया तो उसका मतलब यही हो सकता है कि भाई जितनी आपकी जरूरत थी उतना काम हो चुका है, वो खो गया। लेकिन आपने ऐसे कोई धागे बांध रखा है जो कि गांठ ठीक से लगी हुई नहीं हो, या धागा आपका टूटने के कगार में था, आपने ध्यान नहीं दिया, टूट गया, तो फिर ये सोचना कि भी रुद्राक्ष काम जितना करना था कर गया और चला गया, ये तो मन को दिलासा देने वाली बात हो जाएगी। इसको इस प्रकार के भ्रांत धारणा से मत बांधें कि शुभ हो गया अशुभ हो गया, क्योंकि आप जो भी धारणा करेंगे इसको, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, जो हम सोचते हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, काम करता है, डर बैठ जाता है फिर, अरे खो गया क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। हमारे मित्र हैं, उनका एक नीलम की अंगूठी खो गई, ट्रैकिंग पे गए थे खो गया, बोलते हैं इसको मैं 30 साल से पहना हुआ था, जब से पहना हमारा बरकत ही बरकत हो रही थी, खूब पैसा मैंने कमाया, अभी खो गया, पता नहीं मुझे क्या होने वाला है, बहुत टेंशन में, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। ऐसा होता नहीं है ज़्यादा, ये हम हमारे सोच के हिसाब से होता रहता है। इसको यदि हम साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो इसमें कोई तथ्य नहीं है कि मिल गया या खो गया तो शुभ अशुभ, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। दूसरा यह कि फट जाए तो क्या होता है, टूट जाए तो क्या होता है, माला टूट के बिखर जाए तो क्या होता है, इसको ऐसी मान्यता है। मान्यता यह है कि आपके जो बुरे दिन थे वो खत्म हो रहे हैं, अच्छे दिन चालू होने वाले हैं, ऐसी मान्यता है। तो हो सकता है इस मान्यता में कितना दम है पता नहीं, लेकिन यदि मान्यता हमको दिलासा देते हैं और हमको खुश करते हैं कि टूट गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे बुरे दिन टल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बुरे दिन या बादल जो हैं, काले बादल हैं, फट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और नई रोशनी आने वाली है, नया सूरज आसमान में चमकने वाला है। रुद्राक्ष खो जाए तो अच्छा या बुरा, रुद्राक्ष फट जाए तो अच्छा है बुरा, रुद्राक्ष टूट जाए तो अच्छा है बुरा, मेरे ख्याल से साइंटिफिक ढंग से सोचा जाए तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार भी नहीं है। जैसे आपके कोई कहीं 100 रुपया गिर गया, तो गिर गया तो गिर गया, गलती से गिर गया, आपने कहीं ध्यान नहीं दिया, तो इसको इस प्रकार के धारणा से जोड़ना और उसमें अच्छे बुरे की भावना अपने अंदर में पैदा कर लेना, उससे ही प्रभावित होते हैं आप। ये जब सोचते हैं ना, उस सोच से ही प्रभावित होते हैं आप, और ऐसा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगले वीडियो में आप ही के द्वारा भेजे हुए और एक सवाल पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।